हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 13। ततः शंखश्च भैर्यश्च पानवाना खगोमुखः सहसैव अभ्यनन्ता सह शब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही भीष्म देव ने अपना शंख वादन किया तो पूरी आर्मी ने शंख बजाए, और फिर यहाँ पे बताया गया है तुरिया और अलग अलग जो ब्यूगल्स हैं ये सब बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। अभी हम अगले श्लोक में देखेंगे कि जब कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडव इनकी तरफ से शंख बजता है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जैसे प्रारंभ होने वाला युद्ध तो शंख बजाए। अब शंख का महत्व है, आपने देखा होगा मंदिरों में आरती के पहले आरती के बाद शंख बजता है। कोई भी धर्म का क्रिया करने, भगवान का भक्ति का जो ये आरती होता है या दर्शन होता है, भगवान का अभिषेक होता है या बड़ा उत्सव होता है, शंख बजता है। शंख तो देखा जाए एक हिसाब से तो हड्डी है, वो हड्डी है समंदर में मिलता है, लेकिन शुद्ध है। जैसे गौमूत्र है तो मूत्र लेकिन शुद्ध है, वैसे ही ये तो हड्डी है लेकिन इसका पूजा भी होता है। शंख जब बजता है तो जो ध्वनि शंख से निकलती है वो शुभ होती है, सबके लिए वो शुभदा, सबको शुभ प्रदान करने। तो एक तो है ठीक है कि सिग्नल दे रहे हैं कि चलो युद्ध चालू हुआ, जैसे ट्रेन जाने वाली होती है तो हॉर्न बजाता है, आप गाड़ी में चल रहे हैं ट्रैफिक में तो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन शंख का आवाज कितना मधुर होता है और शुभ होता है। तो एक तो सिग्नल देना कि चलो युद्ध प्रारंभ करें, दूसरा चलो सबके लिए अच्छा। युद्ध में कैसे सबके लिए अच्छा होगा भगवान बताएंगे। अगर धर्म युद्ध है, महाभारत तो धर्म युद्ध था, भगवान स्वयं खड़े हैं, जो जीतेगा उसको तो राज्य मिलेगा, जो मृत्यु को प्राप्त होगा हार जाएगा उसको स्वर्ग मिलेगा, है ना, दोनों के लिए फायदा। यह है धर्म करने, धर्म करने से हम जो भी करेंगे उसमें फायदा ही होता है, आगे बढ़ते हैं हम भगवान। दूसरा अगर आप देखें तो इतना कोलाहल हो रहा है, ये शब्द है, ध्वनि, ध्वनि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरा भौतिक संसार जो है ये ध्वनि से बना है। कैसी ध्वनि से? भौतिक ध्वनि से। ये जो अलग अलग तत्व बने, भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव, ये सब तत्व जो बने हैं, सबसे पहला तत्व जो भौतिक सृष्टि निर्माण करने के लिए किया गया भगवान द्वारा वो था ध्वनि, साउंड। ध्वनि से ये पूरा संसार बना है और ध्वनि से ही ये संसार खत्म होगा। भौतिक संसार खोला भौतिक ध्वनि से, हालांकि आया तो भगवान से, तो ऐसे तो आध्यात्मिक है, लेकिन एक और आध्यात्मिक ध्वनि है और वह है हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र भी ध्वनि है, लेकिन इस महामंत्र के जप करने से और सुनने से ये भौतिक संसार खत्म हो जाएगा, भौतिक संसार की जो पीड़ा है हमारे जीवन में वो खत्म हो जाएगी। तो ध्वनि, साउंड इतना पावरफुल है, साउंड का महत्व है यहाँ। तो सबने अभी जैसे ही भीष्म देव, क्योंकि वे सेनापति थे तो उन्होंने अपना शंख वादन किया, सबने अपना शंख वादन किया, उसके बाद ये सब भेरियां तुरिया सब बजने लगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि पांडवों ने शंखनाद किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। हरे कृष्ण।